अच्छा, यहाँ पे लाखों दिए एक साथ जल रहे हैं और ये जगह बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लग रही है। संगम नगरी में ये अद्भुत नज़ारा देख रहे हैं सब लोग और सबको बहुत ही ये नज़ारा देख के बहुत ही खुशी मिल रही है, बहुत आनंदमय हो रहे हैं। और यहाँ पे आतिशबाजियाँ हुई हैं और सैंड आर्ट है, तो इतना खूबसूरत नज़ारा देख के मतलब मंत्रमुग्ध हो गया। और मतलब देव नगरी में, संगम नगरी में ये सब चीज़ें देख के मतलब हम लग रहा है कि हम बिल्कुल देवलोक पे आ गए हैं। बहुत अच्छा है लग रहा है यार। हाँ, मेरा नाम मधुलिशा है। अच्छा लग रहा है, बहुत भव्य नज़ारा है, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने साल से यहाँ पे हम दूसरी बार आए हैं। पिछले से अच्छा है आपकी बार। मेरा नाम ज्योति वर्मा है।
और आरती समिति के सम्मानित कलाकार भजन आज देव दीपावली का आयोजन जनपद प्रयागराज में संगम तट पर बड़े ही धूमधाम से बड़े ही रौनक के साथ मनाया जा रहा है। कुल क्षेत्र को लगभग 15 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। हर सेक्टर में बड़ी संख्या में दिए लगाए गए हैं, लाखों की संख्या में दिए जलाए जा रहे हैं और आज दीपदान भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ा ही विहंगम दृश्य है, बहुत ही सुंदर दृश्य है और यहाँ पर सैंड आर्ट भी लगाई गई है, सेल्फी पॉइंट किया गया है, गंगा आरती का भी आयोजन इस माँ गंगा किया जा रहा है माँ यमुना और माँ सरस्वती संगम के त्रिवेणी क्षेत्र में आए हुए त्रिवेणी क्षेत्र में सभी प्रयागवासियों का इस तट पर जो आज सुंदर देव दीपावली का और भव्य देव दीपावली का आयोजन किया जा रहा है संगम समिति जिला प्रशासन प्रयागराज के द्वारा सब लोग मिलजुल कर इसमें बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ प्रतिभाग कर रहे हैं। तो इस अवसर पर सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं।